अस्सलाम वालेकुम, मैं शुगर एंड स्पाइस बाय फायज़ा। आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई, बल्कि मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ ग्रॉसरी के लिए। तो हम चल रहे हैं ग्रॉसरी करने, आइए मेरे साथ। करने के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पहला रूल तो ये है कि आप कंफर्टेबल शूज पहनें, जो मैं तो पहन चुकी हूँ। इसके बगैर ग्रॉसरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें चलना होता है, खड़े रहना पड़ता है। तो जब तक हमारा शूज कंफर्टेबल नहीं होगा, हम ग्रॉसरी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, हमें एक लिस्ट तैयार करनी है घर से निकलने से पहले कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारा टाइम जो है वो भी बच जाएगा, और उसके साथ हमारे पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें जो हैं वो हमारी ग्रॉसरी में नहीं आएंगी। सिर्फ वही चीज़ें आ सकेंगी जिनकी हमें ज़रूरत है। और थर्ड ये कि ग्रॉसरी के दौरान सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमने हर चीज़ को बहुत ध्यान से बाय करना है। लाइक ये आप ये देखें कि आपको देखना होगा इसकी एक्सपायरी डेट। जो चीज़ भी आप, चाहे वो प्रोसेस फूड है, चाहे वो स्पाइसेस है, वट एवर, आपने उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करना है, क्योंकि अपने घर वालों के लिए आप इस सेहत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये मैं एक, आप इसको एक पब्लिक मैसेज समझें, जो मैं आपको बार बार कहूँगी कि एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, जल्दबाजी मत करें, तसल्ली से ग्रॉसरी करें। तो हम बस पहुँचने वाले हैं अपने डेस्टिनी में। हाँ जी, ये बस बहुत ही करीब आ गए हम, मेरे साथ ही रहिएगा। पैकेजेस पहुंच चुके हैं, और यहाँ हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन जो है ग्रॉसरी के लिए वो कारफोर है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ, और आजकल जो मेरा किचन चल रहा है जिसमें मेरे कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ चल रही हैं, बेकिंग की चल रही हैं, तो मुझे हर चीज़ बड़ी ईजीली यहाँ से अवेलेबल हो जाती है। तो मेरे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि मैं कारफोर आकर ग्रॉसरी करूँ। और रूल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, जो कि मैं फॉलो करूंगी, और इनको फॉलो करते हुए अपना टाइम बचाऊंगी और पैसे भी। तो चलें अब अंदर चलते हैं। ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ अजान, अल्लाहु अकबर। Thank you.
अब हम मिलेंगे आपको अपनी नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।